और ये जो राइस बाहर के थे ना, उन्हीं से उनकी लुक भी आ रही है, डिजाइन भी बन जाता है। इसको मिक्स कुल्फी बोलते हैं। आपको हम इसमें 7 फ्लेवर देंगे, रेनबो भी बोल सकते हो आप इसको। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी, और आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं बड़ौदा की नाइट मार्केट। जैसे अहमदाबाद की नाइट मार्केट है, सूरत की नाइट मार्केट है, वैसे रात्रि बाजार बड़ौदा की नाइट मार्केट है। यहाँ से हम लोग खाएंगे मटका बिरयानी सामने मारवाड़ी फूड कॉर्नर से, और उसके बाद हम लोग अलग अलग चीजें लेंगे, पानी पूरी लेंगे, कुल्फी खाएंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मटका बिरयानी लग रहा है। हाँ, क्या मतलब? इसमें पहले थोड़ा सब्जियां वगैरह रहता है, चावल आता है, कैसे रहता है? वेज में सारी हमारा ऐसा है, इसमें वेज में बनता है टोटली। अच्छा, हमारा भी चैनल पूरा प्योर वेज है, दिखाते ही वेज खाना है लोगों को। ये वेज बिरयानी है। हाँ, वेज बिरयानी, मटका बिरयानी है। वेज में कौन सा करिए, ऐसा मटका बिरयानी चालू किया है। अच्छा, सब नॉन वेज खाते हैं तो वेज में चालू करना, वेज वालों को भी पसंद आना चाहिए ना बिरयानी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मटका तो इसको इसलिए बोलते हैं, मटके में आता है। बिरयानी इसको किस वजह से बोलते हैं? बिरयानी के ये मतलब स्पाइसी, थोड़े फ्लेवर में आती है, थोड़ा चटपटा फ्लेवर आता है, इसलिए बिरयानी बोलते हैं। अब मसाला कड़क रहता है। हाँ, आप नॉन वेज खाओ या वेज खाओ, वेज में नॉन वेज भूल जाओगे, वेज खा के। अच्छा, ऐसा है, बढ़िया है। इसमें अभी तरह तरह के मसाले पड़े, कसूरी मेथी पड़ी, इनका धनिया पड़ा, चावल डाला है भर भर के। ये कितना प्लेट, 10 प्लेट का ऑर्डर लग रहा है? ये 10 प्लेट का लग रहा है। ये बनती 15 प्लेट की कढ़ाई, 15 प्लेट की कढ़ाई है। इसमें 5 प्लेट की जगह है अभी। हाँ, अभी तो 10 और 21 लाख होंगे इसमें एक साथ में। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा भाई, हाँ, कैसे बनाते हैं? मतलब पक्का लग रहा है कि हो जाएगा 5? हो जाएगा, 21 निकाल के देता हूँ सर इसमें, बोले 21 निकाल के देता हूँ। वाह यार, कलाकारी है आपकी। कितना टाइम समय हो गया? हमको हो गया 7 साल टोटली। 7 साल हो गए। ये मटका बिरयानी को आए कितना समय हो गया? ये मटका बिरयानी को आए मारवाड़ी के साथ में 7 साल हो गए टोटल कंप्लीट। अच्छा, तब से आप ही बना रहे हो? आप ही बना रहे हैं? ये हमारे ओनर सेठ है। हाँ, उनकी इनकी आपकी रेसिपी थी, उनके हिसाब से चालू किया था, तो उन्होंने बोला ऐसा कौन सा रखे ऐसे चालू करने के लिए। तो उन्होंने कहाँ से ढूंढा, मतलब उनको शौक है नई नई चीज़? हाँ, नई नई आइटम खाने का शौक है इनको, तो खा के आए थे। तो इन्होंने बोला भी नॉन वेज में खा के आए, तो इन्होंने बोला वेज में कौन से पड़ते हैं, बाहर पब्लिक को खिला के दिखा। बाकी नाम भी आपने मारवाड़ी वो है जगह, सेठ भी ओनर भी मारवाड़ी जी है ऐसा। ज़्यादातर मारवाड़ी लोग होते हैं ना, शाकाहारी होते हैं, उनको होता है वेज में रखे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे प्लेटें लगी हुई है लाइन से, अब ये सारी प्लेटों में मटके पड़ेंगे। हाँ, मटके पड़ेंगे। हाँ। अब ये बिरयानी मसाला लग रहा है इसका, काजू पड़ा है इसके अंदर, अब पनीर पड़ रहा है। अच्छा, मटके भी ऐसे पूरे बना रखे हैं, प्रॉपर यूज होते रहता ये हमारा मसाला। ये बिरयानी का मसाला है, क्या क्या रहता है इसमें? पूरी वेजिटेबल बिरयानी। अच्छा, पहले आधा ग्रेवी से भरेंगे, आधा चावल से भरेंगे, चीज़ का टॉपिंग आएगा ऊपर। क्या दाम क्या रहता है इसका? 240। दो जन मिलके खाते होंगे? कंप्लीट है। आ रहे हैं आपके पास ही? आ रही है, ये आ रही है ना आपके पास ही? मिल बांट के सब बना रहे हैं। ये मटका इन्होंने लिया, मटके को पेंट वेंट भी पूरा ऐसे स्टाइलिंग भी कर रखी है, काजू डाला है इसके अंदर, पनीर डाला, और अब इसके अंदर ग्रेवी डाल रहे हैं। ये आधा इसको ग्रेवी से भर दिया, 10 प्लेट का ऑर्डर एक साथ लग रहा है, खतरनाक। 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 हो गया ना? 11 हो गया, 11 प्लेट का ऑर्डर है क्या? ना, पाँच प्लेट का काम है, फास्ट कर रखा है काम। अच्छा, ये पहले एक ये फ्राइड राइस टाइप का स्पाइसी सा राइस बन गए, ग्रेवी पड़ा मटकों में, अब उन्हीं मटकों में जिनमें ग्रेवी पड़ी थी राइस पड़ रहे हैं। और ये ना राइस जो है ना, ये बिल्कुल ऐसे डाल रहे हैं जैसे मतलब प्रॉपर प्रिसीशन से नहीं डाल रहे, थोड़ा थोड़ा राइस बाहर गिर रहे हैं, और ये जो राइस बाहर गिर रहे हैं ना, उन्हीं से उनकी लुक भी आ रही है, डिज़ाइन भी बन जाता है। तो कस्टमर क्या करता है, इसी को उल्टा करके खाता है? हाँ सर, उल्टा करके खाता है। हाँ, ये आपके डालने का तरीका भी ना मेरे को बड़ा पसंद है, इसी में थोड़ा बाहर गिरता है वो डिज़ाइन बनता है, मज़ा आता है देखने में। ये सब में चीज़ पड़ेगा, क्या बढ़िया रेसिपी है, लिटरली 10 मिनट में आउट। अच्छा, ये टाइमिंग क्या रहता है इधर? शाम को 4 से रात के 2:30 बजे तक का। 4 बजे शुरू हो जाता है? हाँ, दोपहर को शाम को 4 बजे चालू होता है, रात के 2:30 बजे तक चलता है। ज़्यादा भीड़ वगैरह लोगों की रात के 10-11 बजे रहता है? 10-11 बजे तक पब्लिक रहती है। हाँ, चाहे अब ये डन है, पापड़ एक पड़ता है तो डन होता है। हाँ, डन होता है। अच्छा, बरिस्ता भी पड़ता है, फ्राइड अनियन भी पड़ता है।
क्या खतरनाक चीज़ है, क्या खतरनाक चीज़ है। कृष्णा भाई हम देखते रह गए, ये पूरा बन के रेडी भी हो गया। हाँ वही है, इधर कस्टमर 10 मिनट में फ्री हो गया चला जाएगा खाते। हाँ हाँ वाह यार, और ये जो चावल बाहर को गिर रहा है ना, इससे इतना सुंदर लग रहा है ना, ये तो डिजाइन है, मैंने यही तो डिजाइन है यार, कस्टमर को दिखना चाहिए लुक में। कुछ ताकत से डालो, वो घड़े के अंदर भी रहे मटके के मजा नहीं आता। ये डिजाइन है, दिखना चाहिए ना क्या है मटके के अंदर। हाँ बढ़िया है, मजा आया। मटका बिरयानी वेरी फेमस बड़ौदा की, अब देखो आप। मिक्स करने इसको, बड़ौदा के लोगों को ना मिक्स करने में बड़ा मजा आता है। टमटम को मिक्स करो, मटका बिरयानी को मिक्स करो, सारे फ्लेवर्स मर्ज होंगे ना एक साथ और फिर आएगा टेस्ट। इसके अंदर ग्रेवी पड़ी है, पनीर पड़ी है, वेजीज पड़ी है, ड्राई फ्रूट्स पड़ा है। आ हा हा, लो जी। चलो अब इसको अपना टेस्टिंग पोर्शन लेते हैं, लड़स टेस्ट, और इसमें थोड़ा सा अपन रायता गिराते हैं कोने में और थोड़ा सा डालेंगे प्याज, लो जी। और इधर जो पापड़ मिला था, आधा पापड़ रख लेंगे। ये अपनी प्लेट लग चुकी है मटका बिरयानी की। ये आइए टेस्ट करते हैं, काफ़ी बंदों की तरह खा रहे हैं। तो जो मसाले हैं ना, जो बिरयानी वाले फ्लेवर्स हैं, खड़े मसाले जो गले में लग रहे हैं, वो आई थिंक इनकी ग्रेवी में है। जो उन्होंने ग्रेवी डाली है ना, बहुत फ्लेवरफुल है एंड इतना बढ़िया फ्लेवर दे रही है ना वो ग्रेवी। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सही में वो एकदम वाइब्रेंट बिरयानी खा रहा हूँ। अब प्योरिस्ट बोलेंगे कि ये बिरयानी नहीं है, तुम्हारी मर्जी, स्वाद आ रहा है, नाम जो मर्जी लगाओ, चाहे टमेटो बोलो चाहे टमाटो बोलो, अगर स्वाद वाली चीज़ है तो क्या क्या दिक्कत है ना। अब ये बिरयानी ना दो जन मिलकर खाएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। कुछ आइसक्रीम आइसक्रीम खाते हैं, कुल्फी वगैरह खाते हैं। इस मार्केट की, रात्रि मार्केट की आपको और वाइब दिखाते हैं, चलते हैं किसी और जगह लेके चलते हैं। भाई अभी पीछे मटका बिरयानी खाई और ये ना मार्केट ऐसे ना एक गोल कॉम्प्लेक्स टाइप से में बनी हुई है। पीछे मटका बिरयानी खाई, अभी ना पानीपुरी खाएंगे 5-in-1 वाली फ्लेवर की, और उसके बाद यहीं से हम लोग कुल्फी लेंगे। पानीपुरी भी लगवा ही लेते हैं अपनी, एक प्लेट लगाना ज़रा पानीपुरी का। गार्लिक, जीरा, गार्लिक और कौन कौन से हैं? पुदीना है, राजम है, खजूर वाला मीठा रेगुलर है। कड़क वाली पूरी दोनों भैया? अभी कड़क वाली, जीरा, गार्लिक, पुदीना, राजमा, राजम और रेगुलर। भैया हाँ जी, ये बच्ची को एक प्लेट खिला देना, लो पैसे। कड़क पानी मेरा पुदीना रह गया, ये लो रेगुलर। मेरे को ना जब ये चीज़ें दिख जाती है ना 5-in-1, 7-in-1 पानी पूरी तो मज़ा आता है। जो बेसिकली एक प्लेट तो आप सारे फ्लेवर्स के साथ लो और उसके बाद जो आपको पसंद आए फ्लेवर उसके साथ एक प्लेट और खाओ। मेरे को ना हाजमा जम बड़ा पसंद आया। भैया हाजमा जम ज़रा पानी पिला ना। हाँ क्या आपका कार्ड का नाम क्या है? राजस्थान पानीपुरी, राजस्थान पानीपुरी, राजस्थान कुल्फी के साथ जी। बस धन्यवाद। ये था राजस्थान पानीपुरी, अब खिलाते हैं राजस्थान कुल्फी, वो भी 7-in-1। ये अलग चीज़ हो रही है, 7-in-1, 5-in-1, ऑल इन राजस्थान, ऑल फ्रॉम राजस्थान। आ जाओ
ऑल इन गुजरात ऑल फ्रॉम राजस्थान। राजस्थानी कुल्फी हाउस पे ना 7-in-1 टाइप का फ्लेवर कुछ कुछ मिलता है, दिखाते हैं वहाँ पे पीछे। पता नहीं कैसे मतलब देते हैं 7 फ्लेवर एक साथ कंबाइन करके, आपको एक फ्लेवर में 7 फ्लेवर का टेस्ट आएगा, देखते हैं कैसे। L&T सर्कल कारेलीबाग, ये यहाँ का एड्रेस है। और कुल्फी? और अपना शॉप है राजस्थान कुल्फी के नाम से, राजस्थान कुल्फी। कुल्फी और इसको मिक्स कुल्फी बोलते हैं। आपको हम इसमें 7 फ्लेवर देंगे, रेनबो भी बोल सकते हो आप इसको। और ये फर्स्ट नंबर पर आया मलाई, ये मलाई आया आपका। अच्छा, इसमें 7 फ्लेवर आएंगे। हाँ, 7 फ्लेवर आएंगे। तो ये क्या कॉन्सेप्ट कैसे रहता है, मतलब 7 अलग 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 फ्लेवर, 7 फ्लेवर का आपका 100 ग्राम का 40 रुपये होता है। तो ये इसमें बड़ा पहले मलाई, मलाई फिर ग्रीन पिस्ता, अभी ऑरेंज आया, ऑरेंज आएगा अभी, इसके बाद चीकू आया। अच्छा, फिर मैंगो। अच्छा, तो ये कहाँ से, ये आइडिया कैसे आया 7 फ्लेवर खिलाने का? ये रासबेरी आया। अच्छा, और ये चॉकलेट, ये 7 फ्लेवर हुए। हाँ। और एक्स्ट्रा में आपका एक काजू रहेगा, इसके साथ 8 फ्लेवर हुए इसमें। इसको 7 फ्लेवर में ये रहता है, 100 ग्राम 40 रुपये का आइडिया। इसको बहुत पुराने हो गए, 40 साल हो गए सर। अच्छा, तो 40 साल से ऐसे ही मिल रही है? ऐसे ही 100 ग्राम का, पहले पत्ते पे मिलता था। हाँ। अभी डिश में देते हैं कटिंग, 100 ग्राम हुआ आपका, 100 ग्राम हुई है, 100 ग्राम। हाँ, ये सुधीर भाई का तजुर्बा है। अब ये कटिंग कर करके सारे फ्लेवर इसके अंदर आएंगे, सब फ्लेवर सारे टेस्ट आएंगे। 7 फ्लेवर आए इसके अंदर। ट्राई करते हैं इसके अंदर। मुझे बताया गया ये जैसे मावा हो गया, ये ग्रीन पिस्ता हो गया, ऑरेंज हो गया, चीकू हो गया, मैंगो हो गया, ये वाला कोई तो फ्लेवर था, रेसबेरी था, ये चॉकलेट हो गया, और ये एक इन्होंने बोनस डाल दिया था काजू वाला। वाज, चलो लड़स टेस्ट। इसका मज़ा ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे सारे फ्लेवर एक साथ, इतनी बड़ी बाइट लो। कुल्फी से ज़्यादा फ्रूट्स के टेस्ट आ रहे हैं, चटपटे एकदम। मेरे को ना देख के फीलिंग आ रही है जापनीज डेजर्ट की। वाइब्रेंट है कितनी, प्रिसीशन एकदम। ओहो हो, यहाँ से जो फ्लेवर है ना रसबेरी का, ओहो और चीकू का, इसको इंडिविजुअल लेके खाओ, अलग अलग लेके खाओ, बहुत मज़ेदार है। रात्रि बाजार की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वेजी भाजी को फॉलो करना, बढ़िया बढ़िया खाने की वीडियोज आती है। मिलते हैं आपसे किसी और जगह पर, कुछ और बेहतरीन खाना दिखाते हुए आपको। बाय बाय।